मैम यहाँ पे फोटोज मैम कम मैम सेंटर में चलो अगेन द सेम क्वेश्चन
बताइए अजय सर। ओके, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये रेडिसन का फर्स्ट एनिवर्सरी है और हमें बहुत खुशी हुई कि हमारा क्रिसमस ट्री लाइटिंग सेरेमनी भी है और रेडिसन की एनिवर्सरी भी है और इसको चार चांद लगाने के लिए जसलीन मैडम आई हुई है। और अजॉय जी, आपको बहुत बहुत बधाई। एक साल हो गया है एंड हम यहाँ पे क्रिसमस मना रहे हैं, तो मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे डिनर पे आती हूँ और मुझे देखने मिलता है कि यहाँ पे एक बहुत ही प्रिटी सा क्रिसमस ट्री है जो ग्रीन कलर के किंगफिशर बॉटल से बनाया और बहुत ही यूनिक है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा पहले। एंड हमारे साथ हमारे सांता भी है जिन्होंने मुझे चॉकलेट्स दी है। सो मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू अजॉय जी मुझे बुलाने के लिए। एंड बिल्कुल बिल्कुल, क्रिसमस पे आई थिंक कैप्स पहनना, ऐसे हेयर बैंड्स पहनना, और मुझे तो हमेशा से पसंद है, जब दिवाली होती है मैं सूट पहन लेती हूँ, तो उस हिसाब से आज क्रिसमस है तो मैंने ये रेड आउटफिट पहना है जो मुझे बहुत ही क्यूट लगा और मुझे लगा आज मुझे ये पहनना चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज इस तरह का सेलिब्रेशन यू नो मुझे देखने मिला। एंड या सो आई एम ग्लैड चॉकलेट्स मिले हैं मुझे चॉकलेट्स मिली है एंड आई लव चॉकलेट्स। ये हुई ना बात। थैंक यू सांता, मेरी क्रिसमस। तो मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है और जब लग्जरी बजट हमारे घर में आता था बिग बॉस के घर पे, तो सब चोरी हो जाता था और हम चॉकलेट्स जो है वो छुपा के रखते थे, तो आप सोच सकते हैं मुझे चॉकलेट्स कितनी पसंद है। जी, दुनिया मेरी इसलिए बदली है क्योंकि बहुत लोग जो पहले मुझे यू नो तारीफ़ मेरी जब करते थे तो वो ये कहते थे कि जसलीन बहुत प्रिटी है, जसलीन हॉट है, पर अब जब उन्होंने मुझे 3 महीने बिग बॉस के घर में जिस तरह से मुझे देखा है, आई थिंक वो मेरी नेचर की तारीफ़ करते हैं, मेरी सिंप्लिसिटी की तारीफ़ करते हैं। तो जो भी कॉमेंट्स मैं अपने यू नो वीडियोज़ पर देखती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पर जहाँ भी मैं देखती हूँ, सब यही कहते हैं जसलीन इज़ वेरी सिंपल, शी इज़ वेरी गुड बाई बिहेवियर। तो जिस ऐसी जब कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं, आई थिंक वही सबसे ज़्यादा खुश कर देता है। एंड ऑल्सो जब मैं आई तो मुझे तो ऑब्वियसली बुरा लग रहा था कि मैं घर के बाहर हूँ, लेकिन जितना मेरे फैंस को बुरा लग रहा था और जिस तरह से वो मुझे कह रहे थे अब हम बिग बॉस नहीं देखेंगे, हम बहुत नाराज़ हैं, वही मेरी जीत हो गई कि ना कि मैं ये चाहती थी, ऑल्सो यू नो मेरे फैंस जो हैं वो चाहते थे कि मैं घर में रहूँ और वो मुझे देखना चाहते थे। देखिए, जो मेन अपडेट्स हैं वो मुझे मिल जाते हैं, वैसे मैं देख नहीं पाती हूँ, मिस हो जाते हैं क्योंकि आप लोग मुझे छोड़ते नहीं हैं, आपको बहुत कुछ जानना है मेरे बारे में, बिग बॉस के घर के बारे में, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला वो मैं यू नो एपिसोड देख सकूँ, लेकिन मेन अपडेट्स मुझे मिल जाते हैं। जी जी, जो मैंने देखा है इस वक्त, मुझे लगता है सुरभि को टिकट टू फिनाले मिल गया है एंड मैं इस चीज़ से बिल्कुल नाखुश हूँ बिकॉज मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ऑनेस्टली मुझे इस बात की खुशी है कि दीपिका एंड श्री घर में अभी भी हैं, क्योंकि मेरे लिए मेरा और मेघा का एविक्शन बहुत ज़्यादा शॉकिंग रहा है, सबके लिए रहा है। एंड सोमी, दीपक, सुरभि ये लोग अभी भी घर में हैं, तो थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि ये मुझे पता लगा है जिस तरह से वो लोग बिहेव भी कर रहे हैं घर में, तो या आई एम नॉट हैप्पी ये सब देखकर। मेरे हिसाब से मेरा पूरा सपोर्ट जो होगा वो श्री के लिए होगा क्योंकि उन्होंने बहुत टफ़ टाइम घर में यू नो निकाला है, जिस तरह से उनका पेशेंस लेवल ग्रो हुआ है, आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर एंड जिस तरह से वो रियल रह के गेम खेल रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी एंड मुझे लगता है कि वो बिग बॉस 12 के विनर वो होने चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत कुछ, बहुत सारे गाने, बहुत सारी फिल्म्स में काम करना चाहूँगी मैं और बहुत कुछ जल्दी अच्छा आने वाला है और आप मुझे वापस देखने वाले हैं। किस तरह का होगा, सिंगल एल्बम होगा? सिंगल भी है, सिंगल प्लान कर रहे हैं, देन मूवी भी सोच रही हूँ मैं, मूवी भी करना चाहूँगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मुझे करनी है, तो लेट्स सी। सांता के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सांता आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे बारे में? थैंक यू गाने बहुत ही अच्छे गाती हैं।
जब मैं छोटी थी तो मैं वेट करती थी कि सांता आएंगे और हमें चॉकलेट्स देंगे, तो मेरी बिल्डिंग के नीचे से जब यू नो गाड़ी जाती थी उसमें सांता क्लॉज होते थे और वो चॉकलेट्स इस तरह से बच्चों को बांटते थे, तो मैं बहुत वेट करती थी कि कब क्रिसमस आएगा एंड यू नो वो गाड़ी जाएगी नीचे से और सांता मुझे आके चॉकलेट्स देंगे. तो मुझे चॉकलेट्स मिल तो गए हैं, आई एम वेरी हैप्पी. तो ऑफकोर्स मैं सबके लिए कुछ गाना चाहूँगी. या क्रिसमस नहीं, मैं ऐसे एक प्यारा सा कुछ गाना गा देती हूँ. चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, हो बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल न जाना सनम. मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ओ नजर नहीं चुराना सनम. थैंक यू. बहुत जल्द. यस बिल्कुल. हे गाइस, एक सेकंड वापस. हाँ, हेलो एवरीवन, मेरी क्रिसमस. बहुत सारी पार्टी करो, बहुत सारा एंजॉय करो एंड एंजॉय विथ योर फैमिली, हैव लोड्स ऑफ फन एंड लव यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरी क्रिसमस.